जय माता रानी की। दोस्तों जुगराज यहाँ, आप सभी सफल हो आपका सारा काम। मैं दीपा नेगी, रुद्रप्रयाग जिला और घिमतौली गौवटी, आप सबूत मेरे सादर प्रणाम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दीपा नेगी पहाड़ी। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ, एकदम बढ़िया दिख रही हूँ आप लोगों के सामने। तो चलिए दोस्तों, आज फिर से एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। नई जोश, नई उमंग, नई हंसी और नई ढेर सारी खुशी के साथ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपनी गौशाला से। और गौशाला में मैंने, जैसे कि आप लोग पीछे देख रहे होंगे, मैंने भर दिया है गोबर की चंगेरी। तो गोबर आजकल बहुत सारा गीला हुआ रहता है पूरे, बस के जो बारिश आई रहती ना, तो इसको मैंने जैसे अगले ब्लॉग में दिखाया था कि सुखा सुखा के बिल्कुल बारीक करना पड़ रहा है कुछ इस तरीके से। तो यह भी सूख चुका है बिल्कुल, मतलब उतना खास भी नहीं सूखा है। पर यह रही मेरी गोबर की चंगेरी, जिसको लेके ना मुझे काफ़ी दूर का सफ़र तय करना है, बहुत दूर जाना है। जो वह लियासार पलियासार दो सार होते हैं, एक कोदड़ी सार, एक झंगलड़ी सार। तो कोदड़ी सार तो हमारे इधर ही है अगल बगल ही, लेकिन जो झंगलड़ी सार है वो बहुत दूर है, बहुत दूर। तो वहाँ तक मुझे इस गोबर की करनी को पहुँचाना है। और अभी भैंस भी बाहर धूप में निकाल, धूप तो नहीं है आजकल, हमारी भैंस ज़्यादा बाहर ही रहती है रात को ना, तो अब ठंड होने लगी है, तो भैंस को भी हम अंदर ही बांधेंगे रात को। तो अभी समय हो रहा है 7 बज रहे हैं और मैं हो चुकी हूँ रेडी। तो चलिए जी, फटाफट से गोबर की कंडी को उठाते हैं और निकलते हैं मंजिल की ओर, क्योंकि मंजिल खेती है। एक ये माल्टे लगे हुए हैं दुनिया भर के, और माल्टे का जो ये टहनी है ना, ये बहुत नीचे आ गई है, ये देखिए। और ये रहा सोयाबीन, जो कि अभी कूटने के लिए रेडी होने वाला है। और ये कुछ सोयाबीन कल की कूट रखी है, जो कि खुशी और खुशी की दादी ने कूटी। और ये है रेस, ये है काली दाल, अभी सुबह सुबह। और ये यहाँ पे भी हमने सोयाबीन डाल रखा है। एक खुशी सुंदर सुंदर से फूल खिले हुए हैं, ये देखिए। और यहाँ पे ये पहले बड़ी मुश्किल से इसकी चिनाई की, फिर टूट गया, फिर दोबारा चिनाई हो रही है आजकल। हाँ, बच्चे पीछे से आवाज़ लगा रहे हैं कि पेरेंट्स मीटिंग में भी आना है स्कूल में 12 बजे, तब देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं। अब तो मुझे नहीं लग रहा मैं पूरे रास्ते में वीडियो बना पाऊँगी, क्योंकि अब कहीं पर चढ़ाई, कहीं पर वो रह रही है, तो जो टीचे। तो अभी मैंने गोबर डाल दिया है खेत में, और माता रानी की कृपा से एक खेत कंप्लीट हो गया है। और अभी तो छुई ना लगा उन कथिया पुंगड़ा से, तो अभी स्कूल के बच्चे भी जाने लगे हैं स्कूल वाले को, हो गए हैं वो भी रेडी। और लोग लगा रहे हैं खेतों में हल, ये देखो यहाँ कभी हो कुछ इस तरीके से है सुंदर सा। जब ना खेत में गोबर डाला तब याद ही नहीं आई वीडियो बनाने की, क्योंकि तब एक ही वो लग रही थी कब गोबर की कनी नीचे फेंको, कब इसको बराबर उन्हें आओ आने आओ। तो और देखिए आजकल सारी जगह पेड़ों पे न्या न्या लगा रखा है लोगों ने, देखो हर एक जगह आपको आजकल पेड़ों पे न्यार ही मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे होता है जब खेत, जिस खेत में भी पेड़ होगा उसी खेत पे न्यार लगा देते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इतने बड़े बड़े ये ढीक है, इनको फोड़ के बारीक बनाना और फिर ऐसे। देखो बुढ़ सासू क्या हो गया है बुढ़ सासू को, मैंने था मारने जा रही थी, मैंने बचा दिया। बोले जय माता रानी की बात, जय माता रानी, वो यूं समय कमरी बंगी वो ईंच कमरी सही दिनी, कमरी में दर्द है क्या बोलेंगे जवान लड़को मु, तुम जवान बोरी समझने की नहीं सन कुछ भाई, कब तुम भी रहे वाल जवान जवानी की दोस्त तुम पर भी रहे वर्क दे बोली से तो गिन पे मुली ओकन सासू जी आ रही धूप में गोबर को। तो फिर दोस्तों अभी दूसरी कन्नी लेके खेत में पहुंच चुकी हूँ,
हालत भगवान का सब खराब हो गई, इधर उधर भयंकर वाला दर्द हो गया, और कमर में तो क्या ही बताऊं दर्द। ये देखो यह कन्नी और यह खेत, इस खेत में अभी ये ढीके भी फोड़ने हैं। यहाँ देखो ये इतने सारे ढीके इस खेत में, यहाँ देखो ये सारे फोड़ने हैं, फिर खेत प्लेन बनेगा जब तब जाके इसमें गोबर पड़ेगा। पर क्या करूँ, थकान भी लगी, अब नाश्ता भी नहीं किया। हो ये प्रभु लोगो भी हो जाओ करे लोगो इसी फोन पंगड़ा। कभी कभी गड़वाई में बोला हूँ मोन में बोध में, पर कभी बोला हम भी नहीं बस देखो खत्म। ये मेरा ढीकू क्या बोल रहे ढीकू है। देखो खेत से जाने की तैयारी हो चुकी है क्योंकि बहुत सारी थकान लग चुकी है, और सांपड़े भी ऐसे हो गए टूट के कि मतलब ढीके फोड़ फोड़ के। तो अब मैंने एक चीज़ सोची, जिस दिन मैं गोबर लाऊंगी उसी दिन मैं ढीके भी फोड़ूंगी, जहाँ तक गोबर की कनी डालनी होगी वहाँ तक ढीके फोड़ूंगी। तो ये देखिए अभी मैंने ना यहाँ पे से और यहाँ पे तक फोड़ा, तो यहीं तक मैंने गोबर भी मतलब जो है कि उसको फैलाया है। बाकी नीचे देखिए पूरा खेत ऐसे और का ढीकों से लदा लत, तो इसको मैं तभी फोड़ूंगी जब मैं गोबर लेके आऊँगी। फिलहाल अभी नाश्ता भी नहीं किया है, और आपको लोगों को तो पता ही है अभी और ज़िम्मेदारियाँ भी है कि अभी मार्केट भी जाना है और वीडियो एडिटिंग वगैरह भी करनी है। तो पता नहीं वीडियो एडिट तो मैं चलते चलते ही कर देती हूँ एनी सनी में, क्योंकि फुर्सत से बैठ के एडिट करने का टाइम नहीं मिल पाता है, तो कभी कभी चलते चलते ही मेरी वीडियो एडिट हो जाती है। तो चलिए फटाफट से निकलते हैं यहाँ से घर के लिए, फिर हाथ मुँह धोना है, नाश्ता वगैरह करूँगी, मार्केट चलूँगी, फिर शाम को घर आना है और घास के लिए जाना है। तो चलिए जी, तो अभी मैं पहुँचने वाली हूँ घर पे, और अभी थोड़ा सा ना मतलब चेहरा थोड़ा सा खिलखिलाने लग गया है, पता क्यों, क्योंकि थोड़ा सा दोस्त लोग सब मतलब सासू लोग ये गपुड़ी मारने के लिए मिल गई थी, और थोड़ा सा गपुड़ी मारी उनके साथ, मन हल्का हो गया। क्योंकि ना लेट जो कि यही समस्या है, मतलब दो चार गपोड़ी मारी तब सारे दुख दर्द भूल जाते हैं। आप लोगों के साथ भी होता है ऐसा, थोड़ा सा कुछ मन भारी भारी है तो दोस्तों के साथ थोड़ा गपोड़ी सपोड़ी मारो, देखो तुम। तो अभी थोड़ा ठीक है, ये फूल किस किस को प्यारा लग रहा है यहाँ देखो। तो चलिए अभी सासू जी पता नहीं क्या बोले, तो फिर अभी नाश्ता वगैरह करके और घर में बर्तन धोने थे, बर्तन धो के थोड़ा सा सफाई करके, हल्की सफाई की, हाँ मतलब पोछा पोछा कुछ नहीं लगाया। और अब मैं निकल चुकी हूँ मार्केट के लिए क्योंकि अभी जी का भी कॉल आ रहा है, तो थकान तो नहीं लग रही कि मन ही नहीं कर रहा जाने का, पर क्या करें मजबूरी है। तो अभी मार्केट चलते हैं और फिर शाम को घर आना है और घास के लिए जाना है, तो बने रहिए साथ में। जय माता रानी की। तो देखिए अभी मैं जैसे ही मार्केट पे पहुंची, मुझे साक्षात माता रानी के यहाँ पे दर्शन हो चुके हैं, और अभी मैं जैसे यहाँ पे आई तो तुरंत मुझे दिखे माता रानी के उपासक। हाँ, आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, मैं गई थी नागनाथ पोखरी देवस्थान में एक दिन, जहाँ पे माता रानी का दरबार लगा था और माता रानी की डोली वहाँ पे है, और मतलब कई सारे लोगों के दुखों का भी निवारण कर चुकी हैं माता रानी के उपासक। तो अभी मुझे यहाँ पे मिले, मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके, और ये भी जा रहे हैं माँ धारी देवी के दरबार में, धारी देवी के दर्शन करने के लिए। तो चलो मैंने कहा आप मुझे यहाँ पे मिल गए, तो रानी तो ये देखिए, चलिए जय माता दी। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मिलते रहे, दूसरी बार मिल गए हम दीदी से, बहुत अच्छा लगा। पहचान लिया था ना एकदम से? हाँ बिल्कुल पहचान लिया था, आपको कौन नहीं पहचान लिया, पहचान लिया आपको। अरे बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी यात्रा मंगलमय हो, और माधारी देवी से मेरे लिए भी प्रार्थना करना। और चलिए आपको वापस आते हुए मिलेंगे, क्योंकि अभी मैं घर पे नहीं हूँ, मेरी दुकान है यहाँ पे, तो दुकान पे मैं आप लोगों की कोई सेवा नहीं कर पाई, इसके लिए माफी चाहती हूँ। घर पे आएंगे तो अच्छी सी सेवा करेंगे, आजकल मैं आपको अपने घर पे भी नहीं बुला सकती। तो बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके, और माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपकी जो भी मनोकामना हो वो पूर्ण हो जाए। जय माता जय माता।
तो अभी मैं आ चुकी हूँ दुकान पे, और अभी मैं अपनी दुकान पे आई हुई हूँ। और मेरी दुकान में आजकल बहुत सारे हड़बड़ हो रखी है, क्योंकि आजकल टाइम ही नहीं मिल पा रहा है सामान लगाने का ना, तो ऐसी देखिए कैसे फैल रखी है दुकान बुरी तरह से। तो पता मेरे साथ अक्सर ऐसे होता है, मैं घर से खेती बाड़ी से थक के आती हूँ और दुकान पे आके पता नहीं मेरा मन ही नहीं करता कुछ काम करने का। तो दुकान पे भी कभी ग्राहक ग्राहक आ जाते तो मन ही नहीं करता कुछ काम करने का। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ मन में सच्ची श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए। आपको भगवान किसी भी रूप में मिल सकते हैं। देखो मुझे साक्षात, तो मैं तो मानती हूँ माता रानी के ही दर्शन हो गए हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे तुरंत माता रानी के उपासक मिले हैं। उपासक होना कोई छोटी बड़ी छोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमें कई सारे नियमों में रहना पड़ता है। तो बहुत अच्छा लगा, माता रानी के ही दर्शन हो गए और वो जा रहे हैं आज धारी देवी। वैसे तो रिश्ते में छोटे भाई हैं, और ऐसे रिश्ते लगाएं तो माता रानी का दर्जा तो मेरे से तो कहीं बड़े हैं, कहीं ऊंचा दर्जा है उनका। तो बहुत अच्छा लगा। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। सब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सब पे माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। जय माता रानी।